हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर। तो आज हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आज आपको टाइफाइड फीवर के बारे में। तो इसको बोलते हैं टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर, इसको बोलते हैं एंटेरिक फीवर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको मोती झरा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर होता कैसे है, किसकी वजह से होता है और क्या इसके कारण है। तो सबसे पहले बात करें, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफाइड, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। और होता कैसे है कि कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर, कि जैसे कहीं पे गंदा पानी भर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मक्खियाँ जाती हैं और आके फिर वो खाने पे बैठ जाए और उस खाने को हम खा लें, क्योंकि वे वहाँ से क्या लाई, बैक्टीरिया को ले आई, फिर वो हमारे अंदर चला जाता है। इस तरह अगर हम उसी खाने को खाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिम्टम्स, साइनस सिम्टम्स क्या दिखते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, फीवर तो रहेगा ही, हाई ग्रेड फीवर रहता है इसमें कि सुबह को कम है और शाम के टाइम, जैसे रात के टाइम बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। इसके बाद एब्डोमिनल पेन है, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इसकी वजह से क्या होगा कि इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्वेशन नहीं कर पाएंगी फूड का, नहीं डाइजेशन कर पाएंगी, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, कि भूख बहुत ज़्यादा इसमें कम लगती है, ठीक है। एक सिम्टम्स होता है इसका रोज स्पॉट्स, कि लाल चकते से बन जाते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉल रेड डॉट्स, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक हो गया और कफ रहती है, ड्राई कफ, खांसी रहती है, सूखी खांसी, कॉन्स्टिपेशन है। और इसके बाद है वेट लॉस भी होता है, और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट और या पल्स रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका साइन और सिम्टम्स। बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की, क्या हम जांचें करा सकते हैं, क्या डॉक्टर कराते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये कहता है विडाल टेस्ट, ठीक है, लेकिन विडाल टेस्ट जो कराते हैं इसका 100% एक्यूरेट नहीं बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा विडाल टेस्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक इसके बाद वो टेस्ट भी होते हैं, जैसे कल्चर टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर करा लो या स्टूल कल्चर है, यूरिन कल्चर, इनको करा देते हैं, इसमें एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। बात करें अब हम इसके अगर प्रिवेंशन की, तो कंटेमिनेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाएं, खाने से पहले हाथ अच्छे से धो लें, ठीक है। और बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैंने बता दिया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करना है। तो उसमें सबसे पहले टैबलेट दे सकते हैं हम, टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg में सुबह शाम दे सकते हैं, 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन क्या करना है, इस टैबलेट को सिप्रोफ्लोक्सासिन को प्रेगनेंसी में लेना, ठीक है। और इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg, सुबह शाम ले सकते हैं 5 से 7 दिन तक, ये क्या है, प्रेगनेंसी में ये सेफ है, प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं। इसके बाद वो टैबलेट आती है जैसे सिफेक्जीम है 200 mg, सुबह शाम 5 से 7 दिन तक इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। और इंजेक्शन आता है एक सेफ्ट्रिज़ोन का, मोनोसेफ नाम से आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, 1 ग्राम का आता है इंजेक्शन ही, उसका यूज़ कर सकते हैं, 4 से 5 दिन तक सुबह शाम ले सकते हैं इसको। लेकिन क्या करना है, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, अपने डॉक्टर से सलाह ले उसके बाद ही मेडिसिन ले, क्योंकि क्या होता है इनका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने से दवाई ना लें, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी हो जाती है पेशेंट को, तो कमज़ोरी की को दूर करने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था टाइफाइड फीवर के बारे में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।